हाय गाइस, सो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट निशांत फ्रॉम एक्यूरेट रियलिटी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे DLF 77 एंड वाइटलैंड 76। दोनों ही प्रोजेक्ट SPR एक्सटेंशन पे आ जाते हैं। DLF इज अबाउट टू लॉन्च। DLF की कुछ टेंटेटिव डिटेल्स हैं। दिस इज नॉट अ मार्केटिंग वीडियो, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड ओवर हियर। दिस इज जस्ट अ इन्फॉर्मेशनल वीडियो सो दैट यू कैन मेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। सो DLF की अगर हम बात करें, DLF एज वी ऑल नो, सो हमने हमारी टीम ने कुछ पॉइंट्स पे दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर किया है, वेर इन विल टॉक अबाउट ब्रांड, DLF, वाइटलैंड, एरिया टाइप, क्या साइजेस आने वाले हैं, क्या टाइप्स रहेंगे अपार्टमेंट के, देन वी टॉक अबाउट अमेनिटीज, देन विल टॉक अबाउट टोटल लैंड वहाँ पे कितना आ जाता है एंड फ्यूचर डेवलपमेंट क्या होने वाली है दोनों ही बिल्डर की तरफ से, देन विल टॉक अबाउट द रिसोर्सेज एंड कंसल्टेंट्स दे हैव डिप्लॉयड इन द प्रोजेक्ट और दे आर गोना डिप्लॉय इन देयर प्रोजेक्ट बिकॉज DLF हैजंट लॉन्च्ड येट। Then lastly we'll talk about the pricing part, which is most important because value for money है, pocket में आता है तभी मजा है चीज़ को लेने का या खरीदने का, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। So we'll start with DLF. DLF का सेक्टर 77 में जो प्रोजेक्ट आने वाला है, सो DLF के पास सेक्टर 77 में वी टॉक अबाउट दिस लैंड ऑफ टोटल लैंड ऑफ अराउंड 180 acres इन 76 एंड 77 collectively. DLF की अगर हम एज अ ब्रांड बात करें, सो ब्रांड के लिए शायद मुझे नहीं लगता DLF को इंट्रोडक्शन की जरूरत है। DLF इज अ लिस्टेड प्लेयर, DLF हैज डेवलप्ड एंटायर गुड़गांव, वी ऑल नो DLF वेरी वेल। हम जहाँ देखते हैं DLF के कमर्शियल्स हैं, DLF का भी वी ऑल नो दैट द अपार्टमेंट विच वॉज सोल्ड आउट ऑन गोल्फ कोर्स रोड कमीलियाज, 100 crores वर्थ ऑफ अपार्टमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डील इफ वी टॉक अबाउट द अपार्टमेंट्स कॉन्डोमिनियम्स की अगर हम बात करते हैं। देन DLF ने जैसे मैग्नोलियाज और आलियाज को वेल मेंटेन किया है, गोल्फ कोर्स रोड को मेंटेन किया है, दे हैव सेट अप द बेंचमार्क कि क्या एक बिल्डर से एक क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ रियलिटी रेजिडेंशियल हाउसिंग, तो वो DLF ने बेंचमार्क एक सेटअप किया है। तो DLF आई डोंट थिंक कि हमें पूरा उसको डीप में डिस्कस करना चाहिए बिकॉज वी ऑल नो अबाउट DLF, व्हाट इज DLF एंड व्हाट डज DLF डू। सो अब हम आ जाते हैं वाइटलैंड के ऊपर। वाइटलैंड दिस इज अ न्यू फेस इन द रियल इस्टेट मार्केट, गुड़गांव रियल इस्टेट मार्केट। सो आई टेल यू अबाउट द ओनर प्रमोटर, हु इज द प्रमोटर एंड और पहले कौन से प्रोजेक्ट रहे हैं, आने वाले कौन से प्रोजेक्ट होंगे उनके। सो DLF की वाइटलैंड की अगर हम बात करें, तो वाइटलैंड के जो ओनर हैं मिस्टर नवदीप सरदाना जी, he has an experience of over 20 years in real estate. उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट 2021 में लॉन्च किया था विद द नेम वाइटलैंड अर्बन क्यूब्स। दिस इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन SPR रोड सेक्टर 71 M3M ब्रॉडवे, अगर आपने देखा होगा उसके जस्ट एडजेसेंट ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, जिसकी पोजीशन नेक्स्ट 4 to 5 months में आने वाली है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2021 में, बिल्डर ने ऑल द टाइम ज़्यादा कमिट किया था, बट आप प्रोजेक्ट की अगर कंडीशन देखेंगे तो यू विल फील लाइक इट्स गोना बी यू नो डिलीवर्ड वेल विद इन टाइम, वेल बिफोर टाइम आई वुड से। एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा लोगों को मिला है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप जाके देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज अमेजिंग। देन वाइटलैंड ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया 76 में विद द नेम वाइटलैंड ब्लिसविल एंड अनदर प्रोजेक्ट विद इन द सेम सेक्टर। एंड अगर हम बात करें वाइटलैंड ब्लिसविल, दीनदयाल जनआवास योजना के अंडर में एक लो राइज टाउनशिप वाइटलैंड ने लॉन्च की थी, वेयर इन साइजेज जो आपको मिल जाते हैं 1300 से 1650 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज आ जाता है। जी प्लस स्टिल्ट प्लस 4 का कंसेप्ट है, वेयर इन स्टिल्ट पे आपको पार्किंग मिलती है, बेसमेंट में रूम मिलता है, अपार्ट फ्रॉम टेरेस राइट्स भी मिलते हैं। सो ये प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट है, ये अराउंड 444 अपार्टमेंट्स उन्होंने लॉन्च किए थे एंड उसके ऊपर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन भी मिला है। बिल्डर लॉन्च डेट अबाउट 9500 के रेट पे लॉन्च हुआ था और अभी जो मार्केट में रीसेल होती है समवेयर अराउंड 11500-12000 के रेट पे इसकी रीसेल होती है। देन वाइटलैंड हैड लॉन्च्ड एस्पेन, वाइटलैंड एस्पेन देयर हाई राइज टाउनशिप, वेयर इन दे लॉन्च्ड अराउंड 9 towers, देव लॉन्च 9 towers एक्चुअली 9 towers में एक उनका आइकॉनिक टावर था, 8 towers उनके एस्पेन के थे नॉर्मल एस्पेन, 1 tower वॉज आइकॉनिक। देन दे आर यू नो गोना लॉन्च 2 more towers जिनका रेरा अभी आना है, अभी तक नहीं आया है, सो वो एक प्रोसेस में है। तो वाइटलैंड की अगर हम बात करें, दे हैव यू नो उनका जो प्लान है 103 सेक्टर ऑन बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, दे आर अबाउट टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट, सो उसकी भी कुछ बेसिक डिटेल्स हमारे पास हैं, बट अगेन वी आर नॉट मार्केटिंग एनी बिल्डर, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन मेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली एंड यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड देन यू नो गो फॉर इट। सो वाइटलैंड में ब्रांड के बारे में मैंने आपको बताया, नवदीप सरदाना जी 20 ईयर्स ऑफ प्लस एक्सपीरियंस इन रियल इस्टेट, देन ही लॉन्च इज ओन यू नो अर्बन क्यूब्स, देन 76 में ब्लिसविल, देन एस्पेन। ब्लिसविल की कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो 2.5 साल का बिल्डर ने टाइम दिया था, दैट 2.5 साल में दे गोना डिलीवर। अभी अगर आप कंस्ट्रक्शन देखते हैं स्टेज तो आप जाके देख सकते हैं 12 से 15 महीने के अंदर में बिल्डर इज सेइंग दैट दे गोना डिलीवर एंटायर ब्लिसविल। तो ब्लिसविल का एंटायर अपना एक क्लब हाउस रहने वाला है, ब्रिटिश कॉलोनियल थीम पे वो क्लब हाउस रहेगा। देन एस्पेन की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई, एस्पेन उनका लॉन्च हुआ था 7-8 महीने पहले प्रोजेक्ट आया था, वेयर इन उसमें भी लोगों को बहुत। तो ये हो गया कुछ वाइटलैंड और DLF के बीच में ब्रांड्स का कंपैरिजन कि क्या अभी तक बनाया है, क्या एक फ्यूचर डेवलपमेंट उनकी होने वाली है, सो वो हमने एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। नाउ विल कम ऑन एरिया टाइप, इफ वी टॉक अबाउट करंट प्रोजेक्ट्स, एस्पेन वाइटलैंड एस्पेन 76 एंड DLF 77 में जो अभी टेंटेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, DLF
75 एकड़ में आने वाला है, 25 एकड़ में एक प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। इट वुड बी अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज टाउनशिप वेयर इन यूनिफॉर्म साइजेस रहेंगे। यूनिफॉर्म साइजेस से मेरा मतलब है कि साइजेस जो टेंटेटिव आने वाला है दैट वुड बी समवेयर अराउंड 3400 टू 3600 स्क्वायर फीट, 4 BHK प्लस सर्वेंट प्लस यूटिलिटी का ऑप्शन रहेगा और ज़्यादा कुछ टाइप्स नहीं आएंगे, 3 BHK या 5 BHK नहीं होंगे अभी तक जो टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर आपको वाइटलैंड की अगर हम बात कर लेते हैं एरिया और टाइप्स की, तो देर आर मल्टीपल साइजेस यू गेट इन वाइटलैंड। सो यहाँ पे आपको 3 BHK मिल जाता है, 4 BHK मिल जाता है, 4 BHK प्लस सर्वेंट मिल जाता है, 3 BHK प्लस सर्वेंट मिल जाता है। देन यू हैव ऑप्शंस ऑफ पेंट हाउसेज एज वेल। 3 BHK का साइज 2200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज अप टू 7500 स्क्वायर फीट इफ वी टॉक अबाउट पेंट हाउसेज इन वाइटलैंड 76। सो ये हमने एरिया की बात की। देन वी टॉक अबाउट अमेनिटीज। अमेनिटीज में अगर हम DLF की बात करें तो DLF इज गोना गिव 60,000 टू 90,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस एरिया। देन इसकी अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें, जो अपार्टमेंट्स की ओरिएंटेशन होगी सेम कमिलियाज वाली थीम पे आने वाला है। इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट द प्रोजेक्ट लेआउट, वी हैव द प्रोजेक्ट लेआउट एक्सक्लूसिव लेआउट विच वी कैन यू नो शो टू यू एंड यू कैन यू नो रिसर्च ऑन दैट अकॉर्डिंगली। अरावली व्यूज आपको मिल जाते हैं क्योंकि सारे टावर्स एक साथ ओरिएंटेड हैं सी शेप में, लाइक वाइज कैमिलिया, एंड यू गेट अरावली व्यूज एंड आपके फ्रंट में आपका गोल्फ ग्रीन आ जाता है, ग्रीन एरिया जो DLF देने का प्लान कर रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो 25 एकड़ में से अराउंड 6-7 एकड़ के ऊपर टावर्स होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे एंड रेस्ट 18-19 एकर्स ऑफ एरिया वुड बी गोल्फ ग्रीन और जेन गार्डन काइंड ऑफ दैट एरिया। इफ वी टॉक अबाउट अमेनिटीज इन वाइटलैंड, 1.2 लाख स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस एरिया, दे आर गिविंग मैसिव क्लब हाउसेज। सो दिस इज बीइंग डिवाइडेड अगेन इनटू 3 पार्ट्स। सो दे हैव अ बिग प्रोजेक्ट, लाइक दे हैव ऑल्सो लॉन्च्ड इट ऑन अ लैंड पार्सल ऑफ अराउंड 25 एकर्स। सो 3 क्लब हाउसेज इन्होंने डिफरेंट, सनकेन क्लब हाउस, नेचर क्लब हाउस, स्पोर्ट्स क्लब। सो इन्होंने अपने क्लब हाउस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन they are giving bowling alley, they are giving cigar room, they are giving business lounge, they are giving each and everything. So they have taken care of each and every detail which a builder should take care of. Like we talk about G+34 ki heights rahegi S-Pen ki agar hum baat kare, and iconic would be G+43. Agar S-Pen ki hum baat kare, S-Pen mein ek tower mein 4 lifts hain, one would be service lift एंड 3 होंगी पैसेंजर लिफ्ट। सो कंसिडरिंग कि लोगों को परेशानी ना हो, 34 फ्लोर्स हैं, हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जब टावर में आप एंट्री करते हैं यू विल फील दैट ग्रैंडनेस बिकॉज जो टावर हाइट होगी आपकी एंट्री हाइट होगी दैट वुड बी 28 फीट, इट्स क्लोज टू 2.5 फ्लोर्स। सो दैट्स गोना बी ग्रेट, दैट्स गोना बी ह्यूज। इफ यू नो एंटर इन टू दैट अपार्टमेंट यू विल फील दैट काइंड ऑफ यू नो एक्सक्लूसिविटी और दैट काइंड ऑफ प्रीमियमनेस विच अ क्लाइंट शुड फील लाइक। देन वी टॉक अबाउट टोटल लैंड। सो टोटल लैंड की अगर हम बात कर लेते हैं, DLF के पास 76 और 77 सेक्टर में 180 एकर्स ऑफ लैंड है, अप्रॉक्स 180 एकर्स ऑफ लैंड है, वेयर इन 25 एकर्स पे अभी ये प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका रेरा अभी एक्सपेक्टेड है। इफ़ वी टॉक अबाउट टोटल लैंड विद इन 74, 75, 76 एंड 77 सेक्टर विद DLF, देर इज अराउंड 600 एकर्स ऑफ लैंड। 600 ऑफ एकड़ लैंड पे आप ऑलरेडी आप DLF कॉर्पोरेट ग्रीन देख रहे हैं, DLF कॉर्पोरेट ग्रीन के चारों टावर ऑपरेशनल है, बहुत जल्दी उसके अंदर ऑक्यूपेंसी भी आ गई है ड्यू टू द्वारका एक्सप्रेस वे बींग इन प्लेस। देन If we talk about 75, Cyber Hub 275 में proposed है, then again it is with DLF. 180 acres के अंदर DLF की future development क्या है? DLF की future development, maybe DLF is planning to make it DLF Phase 6. DLF Phase 5 के बाद extension आ जाता है, so DLF is planning to make SPR extension 76, 75 as DLF Phase 6. Maybe 180 acre में 25 acre का project आने के बाद एक और नया project आएगा, उसके बाद एक और नया project आएगा, so maybe they have a plan to, you know, build up a ecosystem over there and call it as a DLF Phase 6. So prices appreciate होंगे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है दे विल गेट गुड रिटर्न्स ऑन दैट। वी टॉक अबाउट टोटल लैंड पार्सल विद वाइटलैंड। वाइटलैंड में हमारे पास जो टोटल लैंड पार्सल आ जाता है दैट्स 60 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल इन 76, जिसमें से 25 एकड़ पे अभी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वंस DLF विल लॉन्च इट्स प्रोजेक्ट उसके बाद वाइटलैंड का 103 में आएगा एंड देन फ्यूचर डेवलपमेंट में रिमेनिंग लैंड पे भी वाइटलैंड कुछ ना कुछ डेवलप करेगा। टोटल 76, 77 सेक्टर की बात करें तो GMDA से रोड्स मेंटेनेंस का काम पूरा DLF के पास है एंड ग्रीनरी एंड ब्यूटिफिकेशन का काम पूरा वाइटलैंड के पास है। सो दोनों टॉप बिल्डर 76 और 77 में इसको पूरा एरिया इसको डेवलप करेंगे। देन वी टॉक अबाउट रिसोर्सेज एंड कंसल्टेंट। DLF में हमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, DLF विल प्रॉबेबली यूज़ द बेस्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज एज दे आर यूजिंग इट इन देयर प्रीवियस प्रोजेक्ट। सो उसके हमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है एंड अभी कोई टेंटेटिव डिटेल्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे रेरा आता है, प्रोजेक्ट डिटेल्स आती हैं, वी कैन शेयर द डिटेल्स विद यू कि कौन कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कौन उनकी लैंडस्केपिंग करेगा और कौन कौन से कंसल्टेंट्स उसमें डिप्लॉय होंगे। When we talk about Whiteland, Whiteland के resources और consultants की बात कर लेते हैं। So Whiteland S-Pen entire project is being built by Shapoorji Pallonji. If you have heard that news that Whiteland has given a contract to Shapoorji Pallonji for the construction of S-Pen at the rate of 5,000 rupees per square feet.
5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन होगी इस पेन की एंड 100% कंस्ट्रक्शन वुड बी डन बाय शाहपुर जी पलोन जी. देन वी टॉक अबाउट लैंडस्केपिंग एंड ग्रीनरी. लैंडस्केपिंग ग्रीनरी ब्यूटिफिकेशन विल बी डन बाय ओरेकल्स. ओरेकल्स इज अ कंपनी, डिजाइनर का नाम है क्रिस्टोफर जोन्स, हु हैड ऑलरेडी वर्क्ड इन डीएलएफ कैमिलियास. देन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल इंजीनियर. स्ट्रक्चरल इंजीनियर कौन है इस कंपनी के इस प्रोजेक्ट में? विंटेक इंजीनियर्स. विंटेक इंजीनियर्स इज अ कंपनी विच इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू गेट द प्रोजेक्ट ऑडिटेड. सो इट्स अगेन वन ऑफ द बिग थिंग, यू नो, पहला प्रोजेक्ट बिल्डर ने लॉन्च किया है, पहला प्रोजेक्ट, एंड दे आर यू नो डिप्लॉइंग सच रिसोर्सेज इन द प्रोजेक्ट. सो दैट गिव्स यू द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेटिस्फेक्शन की नई चीज़ हमने ली है, हमें एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ टाइमली डिलीवरी मिलने वाली है. विंटेक इंजीनियर. देन वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट डिजाइनिंग. प्रोजेक्ट डिजाइनिंग इज बिंग डन बाय हफीज कॉन्ट्रैक्टर. वी ऑल नो हफीज कॉन्ट्रैक्टर, बिग नेम इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, डिजाइनर, बिग डिजाइनर, एंड यू नो ग्लोबली सारे बड़ी, अगर आप बात करें टाउनशिप्स की या फिर कमर्शियल्स की, तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत सारी चीज़ें डिजाइन करी हैं. टाटा प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग प्रोजेक्ट की टाटा प्रोजेक्ट के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनर इज टाटा प्रोजेक्ट्स, अगेन अ बिग नेम. वी टॉक अबाउट विंटेक कंसल्टेंट्स. विंटेक कंसल्टेंट्स इज वन ऑफ द कंपनी विच टेक्स केयर ऑफ, इट्स अ ग्लोबल कंपनी विच टेक्स केयर ऑफ द विंड मूवमेंट और द प्लेसमेंट ऑफ टावर और द वेंटिलेशन विद इन द टावर, सो दैट यू नो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, जो चीज़ें हम बात करते हैं कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, इतना हाई राइज है, ऊपर हवा तेज़ होती है, कम होती है, वो सारी चीज़ें मैनेज करेगा विंटेक कंसल्टेंट्स. अगेन दिस इज़ वन ऑफ द ग्लोबल कंपनी विच इज़ डिप्लॉयड इन दिस प्रोजेक्ट. सो ये बात हो गई हमारी रिसोर्सेज कंसल्टेंट्स की. देन फाइनल थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विल टॉक अबाउट प्राइजिंग. तो प्राइजिंग की हम बात कर लेते हैं. प्राइजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा डेफिनेटली. वेल एस्टेब्लिश ब्रांड, लिस्टेड प्लेयर, डेवलप्ड गुड़गांव एंड वॉट नॉट, वाइट लैंड, न्यू बिल्डर, बट यू नो अमेनिटीज, रिसोर्सेज, ईच एंड एवरी थिंग. अगर हम अपार्टमेंट की, नॉर्मल अपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, तो अपार्टमेंट के अंदर आपको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलती है, इंजीनियरिंग वुडन टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग मिलती है रूम्स के अंदर. देन यू गेट एंटी स्किड टाइल्स इन द वॉशरूम. देन यू गेट ग्रेनाइट फिटिंग इन द वॉशरूम. देन यू गेट यू नो फुली मॉड्यूलर किचन विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज. सो बहुत सारी चीज़ें वाइट लैंड भी दे रहा है एंड डीएलएफ भी फुली लोडेड अपार्टमेंट देने वाला है. प्राइसिंग की अगर हम बात करें, तो प्राइसिंग जो टेंटेटिव अभी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 18,000 to 19,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट. सो आपकी अपार्टमेंट कॉस्ट अगर हम 3,500 square feet, 3,600 square feet का अपार्टमेंट देखते हैं, तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 6.75 CR. सो 6.75 CR के आसपास की कॉस्ट रहने वाली है इस अपार्टमेंट की. यूनिफॉर्म साइजेज हैं तो सबकी सेम रहने वाली है, साइज़ में वेरिएशन नहीं है हमारे पास यहाँ पे. वाइट लैंड की अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो 15,500 rupees की प्राइसिंग आज बिल्डर की है, वेयर इन साइजेज स्टार्ट फ्रॉम 2,200 square feet. कुछ यूनिट्स मिल जाती हैं, 15,500 का रेट है, 3.25 CR, मैं बोल रहा हूँ आपको 3.5 CR, 3.6 CR, इसके आसपास कुछ यूनिट्स मिल जाती हैं इसके अंदर. वी हैव सम ल्यूक्रेटिव ऑप्शन इन वाइट लैंड वेयर इन यू कैन स्पीक टू अस एंड यू नो वी कैन डिस्कस योर रिक्वायरमेंट एंड वी कैन गिव यू अ गुड डील इन वाइट लैंड. वी हैव समथिंग इन वाइट लैंड फॉर यू एक्सक्लूसिवली. सो आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो एंड इफ़ एट ऑल यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट ऑन SPR एक्सटेंशन एंड विद विच प्रोजेक्ट यू वॉन्ट गो एंड वाई. सो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच.